भ्रष्ट अधिकारियों को अब खैर नहीं। सांसद राजेश वर्मा ने कहे, बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत स्थित लगमा में सम्मानित समारोह में उपस्थित खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेरे क्षेत्र में अनियमितता करने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों को खैर नहीं, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने पीछे नहीं रहूंगा। जब मैं भागलपुर का मेयर बना था तो कितने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने का काम किया। मैं सांसद नहीं गरीब का बेटा बनकर काम करूंगा। प्रत्येक विधानसभा में कार्यालय खोलकर अपना प्रतिनिधि को रखकर उसके माध्यम से जनता का शिकायत सुनकर निष्पादन करने का काम करूंगा। क्षेत्र का चौमुखी विकास ही पहली प्राथमिकता है। सिंधिया प्रखंड ने जिस तरीके से अपना 100% मतदान NDA के फेवर में और इस अनुज को दिया है, मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सिंधिया प्रखंड के तमाम हमारे अभिभावकों का, माताओं का, नौजवान साथियों का, NDA के एक एक कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस बड़ी जीत को सुनिश्चित कराया। मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ, जिस भाव के साथ आपने अपना 100% दिया है, ठीक उसी भाव के साथ पूरा 5 साल अपना 100% मैं देने का काम करूँगा। और सिंधिया प्रखंड में चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे +2 स्कूल की बात हो, चाहे वो बेहतर सड़क की बात हो, चाहे वो उद्योग लगाने से लेकर मक्के से आधारित उद्योग लगाने की बात हो, उन तमाम चीज़ों को हम लोग प्राथमिकताओं के साथ करने का काम करेंगे। सिंधिया ब्लॉक समस्तीपुर जिला का एक सुदूर एरिया में गिनती होता है और खगड़िया का भी एक अंतिम छोर पे आता है। और ये सब दिन से एक कहावत है देहाती भाषा में, बोझा का आटी बना रह गया है सिंधिया का ये 5 ब्लॉक पंचायत। मुझे लगता है कि जो भी पहले सांसद रहे होंगे उनकी प्राथमिकताएं शायद कुछ और रही होंगी, लेकिन हम लोग की प्राथमिकताओं, मैंने अभी भी कहा इस बात को अपने संबोधन में, कि हम लोग सभी 6 विधानसभाओं में अपने कार्यालय को करने का काम करेंगे। उसके पीछे का मकसद यही है कि हमारे लिए 6 विधानसभा एक साथ समुचित विकास के साथ पूरा खगड़िया लोकसभा विकसित हो, हमारी प्राथमिकताओं में यह है। तो जब 6 विधानसभा होंगी तो उसमें सिंधिया प्रखंड कहाँ छूटने वाला है। चुनावी दौरा के दौरान आप देखे होंगे कि क्षेत्र में बहुत सारी कमियाँ हैं, क्या आपका सबसे पहला इसमें क्या टारगेट रहेगा, किस पे काम किया जाना है? देखिए, प्राथमिकताएं 4-5 हैं, काम तो बहुत है, अनेक हैं। 4-5 प्राथमिकताओं में बिल्कुल सड़क मार्ग दुरुस्त हो, क्योंकि अगर हम उद्योग लगाने की कल्पना करते हैं तो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ उद्योग लगाने के हिसाब से नहीं, शहर के विकास को यदि हम लोग देखने की परिकल्पना करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बढ़िया, सड़क का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी प्राथमिकताओं में सड़क बेहतर हो, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में उद्योग जो है मक्के से आधारित उद्योग लगे, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में रेल जो है, जिसको लेकर 3-4-5 योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, चाहे वो वैशाली का ठहराव सिमरी बख्तियारपुर में हो, चाहे राजधानी का ठहराव हो, चाहे और भी रेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। हमारी प्राथमिकताओं में नौजवान साथियों के लिए सुविधाओं से युक्त जो मैदान है, खेल के मैदान है, वो रहेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। और विशेष सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ, जितने भी कच्चे मकान हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी संकल्प लिया है कि 3 करोड़ मकान जो हम लोग पक्का बनाएंगे, उसमें खगड़िया भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। और आगामी 5 साल में जितने कच्चे मकान हैं उसको पक्का करने का हम लोग उसमें प्रयास अपना करेंगे। हाँ, एक सवाल है, जो ये क्षेत्र जो है, 2 सांसद जो है यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या है ये बाढ़ क्षेत्र है, और यहाँ का मजदूर तबके के लोग हैं वो बराबर पलायन करते हैं, तो मजदूर के पलायन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वही बात कह रहा हूँ, जब उद्योग लगेगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब एक उद्योग लगेगा और उद्योग लगाने के लिए पहले किसी भी जगह पर किसी भी तरह के इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसकी बेसिक नीड है, जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है वो क्या है, वो बिजली है, बेहतर सड़क है। तो इस पर हम लोग प्राथमिकताओं से जब काम करेंगे, उद्योग लगाने पर यहाँ पर काम करेंगे, तो जब उद्योग लगेगा तो यहाँ पर रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना केवल मक्के से आधारित, यहाँ डेयरी से रिलेटेड जो है उद्योग भी लगाया सकता है, यहाँ पर मछली उत्पाद से रिलेटेड उद्योग भी लगाया सकता है, गन्ने केले से आधारित उद्योग भी लगाया सकता है। तो जिस तरीके से हमारे संस्थापक सरदे रामविलास पासवान जी ने प्रिंसिन फूड पार्क किया था, जो अधूरा रह गया, और ये सौभाग्य की बात है कि अब कैबिनेट एक्सपेंशन में, कैबिनेट के मंत्रालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड मंत्रालय मिला है। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य है कि अब हम लोग उससे आधारित जो उद्योग है वहाँ लगा के रोजगार को अवसर। सरकार द्वारा एक रोजगार गारंटी योजना चलाई जाती है मनरेगा के तहत, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं करना चाहते,
क्योंकि उसमें मजदूरी भत्ता बहुत कम मिल रही है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, हम लोग जब एक शपथ ग्रहण के बाद हम लोग एक दिशा की बैठक करेंगे और हम लोग विधानसभा स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे, ये तमाम बिंदु जो हैं जो आप अभी कह रहे हैं उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जो है चर्चा करेंगे, उस पर क्या निर्णय लेना है वो सब तमाम लोग बैठकर तय करेंगे। आप एक चीज पूछना है, यहाँ पर जितने भी वृद्ध आदमी हैं उनको ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जो सही आदमी है उसको मिलना चाहिए, उसके बाद दो दो बार मिल गया है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला अभी। देखिए पहली बात आपने कही वृद्धा पेंशन की, तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया प्रति माह मिलता है, जिन लोगों को नहीं मिलता है उनको बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि कैंप लगा के सब तमाम लोगों को रजिस्टर्ड करा के मिले, और साथ ही साथ 400 रुपये में वृद्ध का जो है वो पूरा महीना का जीवन यहाँ पर नहीं हो सकता है, वो सहयोग राशि मुझे लगता है कि 1000 से 2000 होनी चाहिए, जिसको लेकर जब हम लोग पूरे चुनाव प्रचार में थे तो कई हमारे जो अभिभावक हैं वृद्ध हैं उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा, तो मैंने अपनी प्राथमिकताओं में रखा कि इसको हम लोग सदन में भी उठाएंगे कि कैसे वृद्धा पेंशन जो है उसकी राशि को बढ़ाया जाए, उस पर क्या प्रक्रिया होगी, उसका उस पर क्या आगे निर्देश लिया जाएगा, आदेश किया जाएगा, मुझे लगता है कि वो केंद्र के तमाम जो हमारे साथी सब मिलकर उसको तय करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 3 या 4 फेज में वो राशि दी जाती है, जिनका अपना जगह होता है उसको 4 फेज में 50,000 करके राशि दी जाती है, तो बिल्कुल हम लोग ये देखेंगे। इसके लिए भी मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरीके से आग लगी की घटना हुई वो सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि लोगों के पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, उस कारण से आग लगी की घटना में एक घर से जो है सैकड़ों घर जो चपेट में आने के कारण बड़ा नुकसान हुआ, तो आग लगी घटना से और लोग प्रभावित नहीं। अभी सर और प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकल्प लिया है कि 3 करोड़ हम लोग पक्के मकान बनाएंगे, तो हम लोग भी विधानसभा वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज ये सूची सुनिश्चित करेंगे कितने ऐसे परिवार हैं और कितने ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ दिया जा सकता है, और जो आप बात कह रहे हैं कि 3 तल्ला मकान बनाओ उसको भी इसका लाभ मिला, तो इसकी जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर जो सभा के संबोधन के दौरान आपके द्वारा एक बात बताई गई कि कई बार कई भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई भी करवाई गई, एक मामला है कि जहां आप खगड़िया लोकसभा के हसनपुर विधानसभा से, जहां आपके द्वारा ही बताया गया कि लगभग 20 से 20,000 प्लस वोटों से आपकी यहां लीडिंग हुई थी, वहां